हे गाइस, महिलाओं की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट मलाई पालक कोफ्ता। के लिए मैंने चॉप पालक, बेसन, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और स्प्रिंग अनियन है गार्निश के लिए, और मलाई, टमाटर प्योरी, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। पहले पालक के डो बनाएंगे। डालेंगे बेसन, थोड़ा धनिया, रोज के मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। पहले हम इसमें मिक्स करेंगे। पालक में ऑलरेडी पानी होता है, के बाद थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, कोई भी शेप दे सकते हैं आप इनकी। मैंने राउंड शेप दिया, मैंने राउंड शेप दिए इनकी। सभी को बना लेंगे ऐसे ही। पालक कोफ्ते की बॉल्स हमने बना ली हैं, अब इन्हें तलेंगे। अब अपनी बॉल्स हम डीप फ्राई करेंगे, एक एक करके डालेंगे ध्यान से। 3 गैस पर ही रखेंगे। इन्हें अलग अलग कर देंगे। सिम गैस पर ही फ्राई करने हैं। पलटते रहेंगे, इसे पलटना है, पलटते रहना है इनको। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए लिया मैंने सरसों का तेल। ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा और लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने ये बाद में डाली है। बाद में ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब डाल देंगे टमाटो प्योरी और अब इसमें अपने मसाले भी ऐड करेंगे। दी लिया है मैंने 1 चम्मच, वही रोज के मसाले हमारे, धनिया, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गरम मसाला 1/2 चम्मच। ये होममेड गरम मसाला है। मिक्स करेंगे और अपने मसालों को फिर से पकाएंगे ऑयल सेपरेट होने तक। मसाले हमारे पक गए हैं, ऑयल सेपरेट होने लगा है। डालेंगे मलाई, करेंगे तो ऐसे ही पकाना है हमें अच्छे से। मलाई डालने के बाद भी अच्छे से पकाना है मलाई को भी। अब मलाई हमारी पक गई है, मसाले सारे कुक हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अब अपने कोफ्ते भी इसमें डाल देंगे। ग्रेवी को कोफ्तों के साथ पकने देंगे। अब हमारे मलाई कोफ्ते रेडी हो गए हैं, इसे हम बाउल में ट्रांसफर करेंगे। बाउल में ट्रांसफर करेंगे मलाई से गार्निश करेंगे, ऑनियन से भी गार्निश करेंगे,
लीजिए, अब तैयार है हमारा मलाई सॉफ्ट पालक कोफ्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।